सुबह से दोपहर तक वो जो लोगों की आशा है, वो
भी खाने का इंतजाम हो तो शायद शाम तक, शाम के बाद से भीड़ नहीं हुआ करती। तो ये तीन दिन भीड़ रुकी कैसे रहेगी? तो भाई एक ही जवाब है, रोकने वाला मोहम्मद वो तो भीड़ रुकी है। पता नहीं मैं आपको बंगला बारा नहीं करता, रोकने वाला कौन है ये देखिए। तीन दिन तक भीड़ रुकी है और तीन दिन के बाद हम लोग जा रहे हैं, तो क्या लेके जा रहे हैं? अली की विलायत का ऐलान कानों में है। ये एक ऐलान है जिसे आपने सुना, महसूस किया। और कल मैंने एक सवाल कायम किया था आपसे कि भाई ये ऐलान आपके लिए था क्या? आपसे मैंने पूछा था कि क्या आप अली को मौला इस ऐलान के बाद से मानते हैं क्या? तो आपने कहा नहीं भाई, हम तो पहले से मानते हैं। तो फिर हम दूसरे ऐलान की तरफ चलते हैं। अली इब्न अबी तालिब का एक छोटा सा ऐलान मगर बहुत खास ऐलान, मेरे साथ रहिएगा, बहुत ही खास ऐलान। ए मेरे मौला, अजबतों का समंदर, ए मेरे मौला, इज्जतों की सबसे बड़ी कायना, ए मेरे मौला, खुदा ने तुझे क्या कुछ नहीं दिया? आसमान का शोशा नहीं बनाया, जमीन का ऊंचा नहीं बनाया, लौ का मसरूम बनाया, कलम का मंसूम बनाया, अर्श का अमीन बनाया, तुझे किस बात पे फक्र है? अदाम नहीं बनाया, शिफाई नहीं बनाया, सवाल मसाइल बनाया, नजतुल वसाइल बनाया, जौहरत सबीना बनाया, बाबुल मदीना बनाया, कलमतुल हिकमा बनाया, अंदाज जबूर बनाया, हिजाबुल वजूद बनाया, सिरतुल जलील बनाया, एलियाल इंजील बनाया, शदीदुल फवा बनाया, आमिरुल लवा बनाया। इतनी अजमतें दी मेरे मौला, कौन सी अजमत ऐसी है? नबई नजीम बनाया, सिरात मुस्तकीम बनाया, वारिसुल उलूम बनाया, हवाली नजूम बनाया, अमूल इस्लाम बनाया, अमूल इस्लाम बनाया, निसल हवाम बनाया, फखर मुखर बनाया, सिद्दीकुल अकबर बनाया, शहादत महशर बनाया। ये सारी अजमतें, जौहरतु समीला बनाया, बाबुल मदीना बनाया, कलमतुल हिकमा बनाया, सारी अजमतें। अली ने मुस्कुरा के कहा कल मेरे शायद मेरे लिए जो अजमत मैं समझता हूँ वो ये कि खुदा ने मुझे अबू तालिब जैसा बाप दिया और पास, कि अगर गूगल का कैमरा
निशान थे जिनको समझ में नहीं आ रहा था, जिनको महसूस नहीं हो पा रहा था कि अब करें तो क्या करें। पर क्या तरीका है रसूल का, देखे अल्लाह की पसंद, सिर्फ अली का नाम ही ले लेते या सिर्फ अली को दिखा भी देते, मगर रसूल ने तरीका यह रखा, अली का नाम ही लिया और अली को दिखाया भी। आपने बचपन में देखा होगा बच्चों को जब ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है तो ए भी दिखाया जाता है और एप्पल भी दिखाया जाता है, ताकि तस्वीर देखने धोखा ना खाए। जिक्र कर रहे हैं किसी ने रास्ते की सहूबतें, मुसीबतें, तकलीफ, और बात करते करते कर्बला का तस्करा किया और फिर दरबार का जिक्र किया और ये सवाल किया कि मौला कैसे हालात थे। अब आपके मौला जो फरमा रहे हैं उसे सुनिएगा, गौर से महसूस कीजिएगा कि क्या हालत होगा और उस वक्त मौला किस तरह बात कर रहे हैं। तो फरमाते हैं कि शाम का दरबार है, मेरा बाबा, मेरे घर के सारे लोग मौजूद हैं, गुफ्तगू हो रही है, यजीद अपने मुशावरों से पूछ रहा है कि भाई क्या करना चाहिए। चंद लोगों ने यह मशवरा दिया कि कत्ल कर देना चाहिए। माजल्ला सुमा माजल्ला, मेरा मौला कहता है कि मैं उस वक्त बोया हुआ और मैंने कहा कि तेरे दरबारी फिरौन के दरबारियों से बदतर हैं। पता नहीं, मैं आपको तोहफा दे के जा रहा हूं, दरबारी फिरौन के दरबारियों से बदतर हैं। यजीद कहता है क्यों? तो इसलिए कि जब फिरौन ने मूसा के सिलसिले से अपने दरबारियों से पूछा था कि इनका क्या किया जाए, तो उसमें से किसी एक ने भी नहीं कहा था कि कत्ल कर दिया जाए। यजीद कहता है क्यों? इमाम ने फरमाया इसलिए कि उन सारे दरबारियों में कोई ऐसा नहीं था जो हलाल ज्यादा हो। और तब मासूम ने कहा कि किसी मासूम के कत्ल करने के मंसूबा में शामिल ही वो हो सकता है जो हलाल ज्यादा ना हो। खुदा कर रहा है और खुदा अपने रसूल के खल्क करने का ऐलान कर रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसने खल्क किया। ये किसकी जबान से गुफ्तगू हो रही है? रसूल के जबान से गुफ्तगू हो रही है। क्या? कि खुदा ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया, हमारे नूर को। अब यही से मौजूद आगे की तरफ बढ़ेगा, सवाल बनता चला जाएगा और आपको खुद ब खुद जवाब भी मिलता चला जाएगा। खल्क किसने किया? हुजूर अल्लाह ने। किसको खल्क किया? रसूल को। अब सवाल यह है कि अगर किसी को खल्क किया जाता है तो यह भी सवाल बनता है किस चीज से खल्क किया, क्या कहें, किस चीज से। भाई हम और आप तो मिट्टी से बने हुए हैं, भाई बहुत बड़ा सवाल है, हम और आप मिट्टी से बने हुए हैं, तो जब रसूल को खल्क किया तो किस चीज से खल्क किया? उसने अपने नूर से खल्क किया।
बहुत सारा सा बोला है, बहुत सारा सा, और बहुत दूर दूर तक जा रहा है, लाइव मुझे देखा जा रहा है। जरा संपर्क करेंगे जो लोग दूर से मुझे सुन रहे हैं, क्या कहा? अपने दूर से। अब मुझे आप इंसाफ से बताइए, सुना गया सोने की बिस्किट लेके जाइएगा और उसे कहिए कि जेवर बनाए, जब वो जेवर बना दे तो मैं आपसे सवाल करता हूं, आप बताइए जेवर का रंग बिस्किट जैसा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अगर जेवर बनेगा तो जेवर का रंग बिस्किट जैसा होगा। चांदी की ईंट दी आपने, जेवर बनवाया, रंग कैसा होगा? चांदी की ईंट जैसा होगा। तो जो चीज बनती है, जिस चीज से बने उसका रंग उस जैसा होता है। बहुत बड़ा जुमला बोलने जा रहा हूं, जो चीज बने। अगर मेरी आवाज बाहर तक जा रही है, अगर ब्रदर ने हसन की तो बात ही नहीं की जा सकती दोस्तों, अगर अकीदे से सुनोगे तो समझ जाओगे किस चीज से बनाया। अपने रूप से दुनिया में तुम लेकर जाओ सोना, बनवाओ जेवर, मैं तुमसे सवाल करता हूं उसका रंग कैसा होगा? आप कहेंगे बोलना जिस चीज से जो चीज बनाई जाती है उसका रंग जैसा होता है। तो मेरे भाई जब अल्लाह खुद कह रहा है कि मैंने मोहम्मद को अपने रूप से बनाया, yeah।
वहीं तक जा सकता है जहां तक उसकी हद है, जहां तक ताकत है, जहां तक बिसात है, मगर नूर वहां तक जाएगा जहां तक नजारा है, वहां तक जाएगा जहां तक कुछ है। तो जरा सोचो तो सही, जब तुम्हारे आंखों का नूर तुम्हारे हाथ से इतना आगे है, अगर ऐलान ना हो तो इस्लाम समझ में ना आए। ये ऐलान बताता है कि इस्लाम में कौन सी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये इशारा बताता है कि ईमान कितना इंपॉर्टेंट है, और फिर ये राज बताता है कि इरफान कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो राज वाले लोग हैं ये इरफान वाले लोग हैं, ये जो इशारे वाले लोग हैं ये ईमान वाले लोग हैं, और ये जो ऐलान वाले लोग हैं ये बस मुसलमान हैं। इन्हें कहा गया है कि ये कहो कि मुसलमान हुए, ये मत कहो कि साहिबे ईमान हो गए। के नाम से मंसूब है। किसके नाम से मंसूब है?
हुसैन के नाम से मंसूब है। अब जरा समझिएगा ये जो घास वाले लोग हैं ये कैसे हैं। रब ने बसाया और चंद बातों के पहले बस नहीं जुमला रुशैद के हाथ पांव और जबान काटे जा चुके हैं, जंगल में उल्टा लटकाया जा चुका है। कैफियत यह है कि औरत है जो लकड़ी काट के अपने सर पे लेके आ रही है। रुशैद ने उस औरत को रोक के कहा, गठरी खोल और कपड़े को मेरे सर के नीचे डाल। दरबार जा रही है, उसने कहा हां मैं दरबार जा रही हूं, तुझे वहां वो नहीं मिलेगा जो मैं ले लूंगा। कपड़ा खोला, सर के नीचे डाला, तो शहर की कटी हुई जबान से जो खून के कतरे गिरे उसने आंखों से देखा, वो हीरे जवाहरात में तब्दील हो गए। कहा इसे उठा, इसे उठा, अपने घर ले जा, तेरी नस्ल खत्म हो जाएगी। मेरा दिया हुआ नहीं होगा। वो कहती है ये इतनी इनायत है जो कर रहे हैं, मुझसे खिदमत क्या चाहिए। कहा बैठ जा, मुझे अपने मौला का कसीदा पढ़ना है। ये राज वाले लोग हैं, बैठ जा, मुझे अपने मौला का कसीदा पढ़ना है। वो पलट के कहते हैं मैं समझी नहीं। कहा हम अली वालों का मामला ये है, हम अली वालों का मामला ये है कि सुबह से शाम तक अगर मौला की फजीलत ना पढ़ ले तो चैन नहीं आता। यह है राज वाले लोग, ये वो लोग हैं जो अहले बैत के सच्चे चाहने वाले हैं। और जो अहले बैत का सच्चा चाहने वाला होता है वो यकीनन जमीन पर हो के भी आसमान में सितारों की तरह चमकता है। अल्लाह यकीन जानिएगा और इत्मीनान रखिएगा इस बात पे कि दुनिया में अहले बैत के दरवाजे से बड़ा कोई दरवाजा नहीं है। और इन्हें जब मानो तो मुख्तार समझ के मानो, माजल्ला मजबूत समझ के ना मानो। आपकी किसी दुआ को पूरा करने के लिए इन्हें उससे लेने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने इतना दिया है, खुलूस से मांगोगे सब मिलेगा, बस खुलूस होना चाहिए। आपसे अहले बैत ने सिवाय खुलूस के कुछ नहीं मांगा। ये जो तालीम अहले बैत है अगर सचमुच आम कर दी जाए और सचमुच लोगों को, देखिए आप जानते हैं मैं बहुत सारे स्टेजेस पे जाता हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सोशल जस्टिस की जो बातें आपको अहले बैत के किरदार में मिल जाएंगी कहीं नहीं मिलेगी। आपको इंसानी जज्बात की इज्जत जो अहले बैत के दरवाजे में मिल जाएगी कहीं नहीं मिलेगी। आपको इंसान की कद्रो कीमत जो अहले बैत के दरवाजे में मिल जाएगी कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपसे सवाल करता हूं, हमारी कौम की एक प्रॉब्लम यह है कि हम प्रिस्क्राइब्ड नेकी को नेकी समझते हैं, मगर मैं इससे आगे की बात कर रहा हूं। हम में से कौन है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2 किलो सेब लेके हर हफ्ते जाता है अजनबी मरीज को सेब खिलाने के लिए? हम में से कौन है? मैं खुद को भी इंक्लूड कर रहा हूं, कहीं आप ये समझे कि मौलाना ये क्या पढ़ रहे हैं, मैं खुद को भी इंक्लूड कर रहा हूं। हम में से कौन है जो शहर के सदर बाजार के किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के किसी मरीज को देखने गया हो अजनबी बनके और 2 किलो सेब उसके सरहाने छोड़ के आया हो, और जब वो पलट के पूछे कि भाई तू कौन है तो उसके हाथों पे हाथ रखे गए मैं अली का मानने वाला हूं। कौन है आपने से आप बताओ? नहीं है ना। बने यहां ये सोशल खत्म हो चुका है। बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, हमारे नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, हमारे नहीं है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं, हमारी नहीं है। अच्छा होनी किसकी चाहिए थी आप मुझे बताओ ना हिसाब से। भाई आप सारी किताबों को पढ़ लो। 19,000 कितने 19,000 स्टूडेंट, 4,000 से जो डेवलप होके हुए 19,000। मेरे मौला ने उस जमाने में
जिस जमाने को मैं इल्मी जमाना नहीं कहता, उस जमाने जो जमाना इल्म कहना हो, इल्म के दरिया पाए हैं। तो यूनिवर्सिटी तो आपकी होनी चाहिए थी, कॉलेज तो आपका होना चाहिए था। कहां लिखा है, कहां लिखा है, किस किताब में लिखा है कि हलाल न कमाओ? किस किताब में लिखा है? फिर ऐसा क्यों है कि कमाई की सूझबूझ है उस नबी को ज्यादा है, आपसे ज्यादा है? क्यों? इसलिए कि कहीं ना कहीं आप सीरत को छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप रास्ते से उतर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि बस आपने नाम ले लिया और आपने नारा लगा लिया, सब हो गया। मेरे भाई, शिया वो होता है जिसे बताना ही ना पड़े मैं शिया हूं, जिसे देख के बाजार भी बोले शिया है, दरबार भी बोले शिया है। और रही अकीदत की बात, तो जुमला सुन लो, हर शिया में एक मुख्तार होता है। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है, अगर समझ में आए तो समझ लेना, हर शिया में एक मुख्तार होता है, बस इतने से आपके सामने आने की देर होती है। रब के मसाइब के पहले मैं जुमला पढ़ने जा रहा हूं आपकी खिदमत में,
बड़ी जिम्मेदारी होती है। मेरे सामने ये इतना बड़ा मजमा बैठा है, मुझसे मेरे वक्त का इमाम एक घंटे का हिसाब नहीं मांगेगा। आपकी जितनी तादाद हो, जितने लोग मुझे पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, उन सबके एक एक घंटे को मिला के हिसाब मांगेगा। कल जो शेख मेरे इतने चाहने वाले तुम्हारे पास आए थे, तुमने उन्हें क्या दिया? अब एक तोहफा छोटा सा आपको दे रहा हूं और इंशाल्लाह कल मैं तुमको कंटिन्यू करूंगा। छोटा सा तोहफा और ये है कि अपने लिए वो सब चीजें कमाल ये है कि दूसरों के लिए क्या चाहिए। ठीक है, और अब सुनिए, आपके बहुत बड़े आलिम का जुमला रुकते मैं साहब के पहले पढ़ रहा हूं। वो आलिम दीन कहते हैं, मैंने माना कि हज का बहुत सवाब है, मैंने माना कि तवाफ का बहुत सवाब है, मैंने माना कि नमाज और रोजे का बहुत सवाब है, मैंने माना कि दीन के एक एक अमल का बहुत सवाब है, मैंने माना कि तिलावत कलाम इलाही का बहुत सवाब है, मैंने माना कि सर्दी की नमाज का और गर्मी के रोजे का बहुत सवाब है। मगर वो फरमाते हैं कि अगर तू सच्चे खुदा को पहचानता है, तुझे मैं आज सच्चा दीन बताना चाहता हूँ, इन सारे सवाबों को एक तरफ रख, तुझे मैं एक नई नेकी का सवाब बताता हूँ। और वो नेकी है जब कोई नाउम्मीद हो कि जमीन पे गिर जाए तो उसका हाथ पढ़ के काम के मैं पढ़ा हूँ, तुझे गिरने नहीं दूंगा। हाँ, तो नाउम्मीदी को उम्मीद में बदल के गिरते हुए को उठाने का सवाब इतना ज्यादा है या बंदा फील कर सकता है या खुदा बता कर सकता है। बड़े इत्मीनान से मैंने आपको इसलिए ये बात समझाई है कि मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 10 मिनट और तकरीर करता और हम सारे नारे लगाते, मगर इन 5 दिनों के अंदर बड़ी जिम्मेदारी है। वो बड़ी चीजें और बड़ी बातें जो आप तक आनी जरूरी है और इस टेलीविजन के हवाले से कौन तक जानी जरूरी है, उनमें सबसे बड़ी बात है हाथ थामना सीखो। हमने पांव थामना सीख लिया है, हाथ थामना छोड़ दिया है, हमें हाथ थामना पड़ेगा। हम जब हाथ थामेंगे और हाथ खींचेंगे तो यकीन जानिए कौम में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, यकीन जानिए कौम में कोई मफूज नहीं रहेगा, यकीन जानिए कौम में कोई परेशानी हाल नहीं रहेगा। मैं आपसे एक सवाल करता, इतने बड़े शहर में इतनी बड़ी तादाद है हमारी, इतना बड़ा इलाका है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह इतना पैसा है हमारे पास, कोई कौम गरीब फकीर नहीं है, अपना घर खास रहती है। माशाल्लाह से हमारे यहाँ सदका निकाला जाता है, माशाल्लाह से हमारे यहाँ इमाम ज़माना का पैसा निकलता है, माशाल्लाह से हमारे यहाँ खुम्स निकलता है, माशाल्लाह हमारे यहाँ बहुत से रुकून निकालने वाले निकालते, मगर हम वेल ऑर्गेनाइज नहीं है कि हम किसी एक प्रोजेक्ट को लेके बैठे। मैंने लखनऊ में एक जुमला कहा था, हम आज तक इतिहास बयान करते हैं, 700 साल पहले हम ये थे, 400 साल पहले हम ये थे, 200 साल पहले हम ये थे, 100 साल पहले हमारे परदादा के अब्बा ने ये कमाल किया था। भाई शिया इतिहास में होता तो है मगर इतिहास बनाता भी है, तो आपको इतिहास बनाने के लिए साथ मिलना पड़ेगा। इस मुल्क, इस जमीन, इस शहर में सिर्फ इतिहास बन के नहीं रहना बल्कि इतिहास बनाना है, क्योंकि जो मौला का चाहने वाला है उससे अच्छा मुल्क का कोई चाहने वाला हो सकता है, ना मौला का कोई चाहने वाला हो सकता है, और ना उससे ज्यादा कोई सच्ची इंसानियत फैलाने वाला हो सकता है। क्योंकि जो तर्स अहले बैत की बारगाह से आपको मिलता है वो आपको कहीं से नहीं मिल सकता। मैं आपके जुमला कह रहा हूं, आप चले जाइए सुबह टेलीविजन खोल के सारे धर्म गुरुओं को सुन लीजिए, लेकिन जो दुआ आपको आपके यहां मिल जाएगी वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपके यहां भी यकीन पैदा कराया जाता है कि तू मांग कोई देने वाला है, ये अहले बैत का उसूल है, आप मांगिए देने वाला है। करबला में जब सब कुछ खत्म हो रहा था, जब सब कुछ जा रहा था, तो क्या दुआ के जुमले हुसैन की जबान से अलग हुए? नहीं हुए ना, दुआ का जुमले अलग नहीं हुए। जैसे जैसे कुर्बानियां बढ़ती चली गई,
हुसैन और खुदा का रिश्ता सामने आ रहा है। जैसे जैसे कुर्बानियां पड़ी, हुसैन और खुदा का रिश्ता, हुसैन और खुदा का रिश्ता, इंशाल्लाह आगे भी मैं इसमें बयान करूंगा आपके सामने क्या रिश्ता था हुसैन और खुदा। मगर वो सामने आता है दुनिया में हुसैन जैसा भरोसा करने वाला और दुनिया में हुसैन जैसा खुदा को प्यार करने वाला वो मिल ही नहीं सकता। सारे दुनिया के रहबरों की तारीफ उठा के देख लीजिए और हुसैन की तारीफ उठा के देख, उस अली अकबर को इजाजत देना उसी अमल में से एक अमल है। उस अली अकबर को, कौन से अली अकबर को, मदीने की गलियों में, मदीने की गलियों में एक बार बाप ने बेटे से कहा मेरे लाल कुछ मांग ले, और बेटा कह रहा है बाबा जो भी ख्वाहिश होती है वो भी पूरा कर दे। बाबा जो भी ख्वाहिश होती है वो भी पूरा कर देती है, मेरे लाल मेरी ख्वाहिश है कुछ मांग ले। बाबा अनुकूल की ख्वाहिश है, अपने एक हाथ के जुल्लू में अली अकबर का चेहरा दिया, दूसरा हाथ आसमान की तरफ कर दिया, जैसे अनुकूल मंगाया अली अकबर की खिदमत में, अली अकबर ने अनुकूल उठा दिया। यही अली अकबर है, यही हुसैन है, मगर अब मदीना नहीं कर रहा। और अली अकबर कहते हैं बाबा क्या समाएगा, ये भी तो मैं आपको बता दूं। देखिए मैं बड़े आराम से पढ़ूंगा आज की इस मजलिस में, मैं चाहता हूं कि मैं आपको जनाबे अली अकबर के बारे में कुछ बातें खास समझाऊं। अरब में सबसे ज्यादा सखावत जनाबे अब्दुल्ला की मशहूर थी, मदीने में आने वाला नया फकीर शाम को जब मदीने में दाखिल होता तो बिना किसी से पूछे उस दरवाजे पे जाता जहां से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। ये किसका दरवाजा था, अब्दुल्ला का दरवाजा। और जब अब्दुल्ला का दरवाजा बंद हो जाए तो मदीने वाले कहते थे अभी भी मदीने में कोई है जिसके दरवाजे से कोई भूखा नहीं लौटाया जाता। और ये किसका दरवाजा था, ये हुसैन के अली अकबर का दरवाजा। अली अकबर अपने जब की सुन्नत पे अमल करते हुए मदीने में आए हुए आखिरी मुसाफिर को जब तक खिला नहीं है तो कोई खाना नहीं खाते, ये अली अकबर की हालत थी। मैं उस अली अकबर की बात कर रहा हूं जो 18 वर्ष की सिन में उम्र में जब अपने चचा के साथ चलते थे कांधे से कांधे मिल जाते थे। आपको पता है जब जनाबे लैला की गोद में जनाबे अली अकबर आए जब मदीने की औरतों ने कहा है कि आप हमारे घर नहीं आती तो बताए जनाबे लैला क्या कहती थी, हम क्यों तुम्हारे घर आए, तुम आओ हमारे घर क्योंकि शबी रसूल हमारी गोद में, शबी रसूल है हमारी गोद में। आपको बताए जनाबे अली अकबर कितने शबी थे रसूल के, कितनी शबाहत थी। मदीने की बुजुर्ग औरतें जो नई शादियां होती थी तो अपने बहुओं से कहती थी छत पे जब जनाबे अली अकबर गुजरते थे कि जिसने जिसने हमारे रसूल का चेहरा नहीं देखा, ज्यारत नहीं देखी तो हुसैन के अली अकबर को देख, ज्यारत नहीं की हुसैन के अली अकबर को देख, हुसैन के अली अकबर को देख। यह है अली अकबर। अब आप मुझे इंसाफ से बताइए जब उसी अली अकबर ने कहा होगा बाबा मरने की इजाजत दे दी तो हुसैन पर क्या नहीं दी। मैं बड़े आराम से पढ़ूंगा ताकि आप अली अकबर के मसाया को रन नजदीक से महसूस करें। वही अली अकबर है, शबीह रसूल है, हाथों को जोड़ के खड़ा है बाबा मरने की इजाजत दे। मेरे लाल जा अपनी भूखी से इजाजत। और अली अकबर अपनी भूखी के पास खड़े, वो भी अम्मा मरने की इजाजत, मेरे लाल जा अपनी मां से इजाजत। अब अली अकबर आए हैं, अब रिवायत सुन लो ताकि समझ सको कि हुसैन का दर्द क्या था। अली अकबर मां के पास दरवाजे पे खड़े हैं,
जैसा कहते हैं जब तक अपनी माँ को नहीं पुकारा था लैला को दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही कहा अम्मा सलाम जैसे ही पंछी के पास अपना हाथ ले गए
الرحمن صلى الله عليه وسلم ذراك لن يعلم النار عنه ورد صلى الله عليه وسلم وعلم لن يطول نسوها صلى الله على محمد وعلى الدين وحارين وذلك ورحمة لك يا أرحم الراحمين فردقار عمنا مريبون تطول ربنا بما ربما لك الله سيد سجاد سبحانه وتعالى كل يا رب العالمين اللهم ارحمنا وارحمنا